ओशो ने मानव शरीर, विशेष रूप से महिला शरीर के प्रति आकर्षण पर गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार यह आकर्षण न केवल शारीरिक स्तर पर होता है, बल्कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारक भी काम करते हैं। ओशो ने कहा कि स्त्री के शरीर की ओर आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने और उसके पीछे के गहरे अर्थ को जानना आवश्यक है। ओशो मानते थे कि स्त्री के शरीर के प्रति आकर्षण जैविक रूप से स्वाभाविक है, यह प्रकृति द्वारा दोनों लिंगों के बीच रचनात्मक और प्रजनन संबंध को बनाए रखने का तरीका है। महिला शरीर का आकर्षण पुरुष के लिए एक तरह से प्रकृति की योजना का हिस्सा है, जो जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री के शरीर के प्रति आकर्षण तब और भी तीव्र हो जाता है जब मन अशांत अनियंत्रित होता है। जब कोई व्यक्ति अपने आंतरिक जीवन में संतुलित नहीं होता तो वह बाहरी आकर्षणों की ओर खींचता है। विशेषकर महिला शरीर की ओर आकर्षण तब बढ़ जाता है जब व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक या भावनात्मक संतुलन की कमी महसूस करता है। ओशो कहते हैं कि महिला शरीर की ओर आकर्षण केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे की मानसिकता को भी समझने की आवश्यकता है। समाज ने महिला के शरीर को एक वस्तु के रूप में देखने की मानसिकता विकसित की है। यही कारण है कि पुरुष अक्सर स्त्री के शरीर को केवल एक कामुक वस्तु के रूप में देखते हैं, जबकि यह दृष्टिकोण अधूरा और गलत है। फिल्मों, विज्ञापनों और मीडिया में स्त्री के शरीर को जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, वह समाज में इस मानसिकता को बढ़ावा देता है कि महिला का शरीर केवल एक आकर्षण का साधन है। ओशो ने कहा कि हमें इस मानसिकता से मुक्त होकर महिला के प्रति एक गहरे सम्मान और प्रेम की भावना को विकसित करना चाहिए। ओशो का मानना था कि यदि आप केवल शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं तो आप उसके वास्तविक अस्तित्व को नहीं समझ रहे हैं। महिला का शरीर उसकी पूर्णता का केवल एक हिस्सा है और उसकी आत्मा, उसकी आंतरिक सुंदरता को देखना और समझना कई अधिक महत्वपूर्ण है। ओशो के अनुसार जो व्यक्ति केवल शरीर के स्तर पर अटका रहता है वह जीवन के गहरे आनंद और प्रेम से वंचित रह जाता है। यदि आप केवल किसी महिला के शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं तो यह एक अस्थायी और सतही आकर्षण होता है, लेकिन यदि आप उसके व्यक्तित्व, उसकी आत्मा और उसकी आंतरिक सुंदरता की ओर देखते हैं तो आप सच्चे प्रेम और गहरे संबंध का अनुभव कर सकते हैं। ओशो हमेशा कहते थे कि ध्यान ही एकमात्र तरीका है जिससे आप महिला के शरीर के प्रति आकर्षण को समझ सकते हैं और उसे सही दिशा में बदल सकते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा और आकर्षण को उच्च स्तर पर रूपांतरित कर सकता है। उन्होंने कहा कि यौन आकर्षण को दबाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे ध्यान के माध्यम से सृजनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलना चाहिए। यदि आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी यौन ऊर्जा के आकर्षण को नियंत्रित कर सकते हैं और इसे अपने आंतरिक विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके आकर्षण का स्वभाव बदल जाता है और आप स्त्री के शरीर को केवल कामुक दृष्टिकोण से देखने के बजाय उसे एक संपूर्ण अस्तित्व के रूप में देख सकते हैं। ओशो कहते हैं कि स्त्री की वास्तविक सुंदरता उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में होती है। यदि तुम केवल शरीर के प्रति आकर्षित हो तो तुम उसके अस्तित्व की गहराई को नहीं समझ पाए। सच्चा आकर्षण तब होता है जब आप उसकी आत्मा, उसकी आंतरिक सुंदरता और उसकी आंतरिक शक्तियों को समझते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान और जागरूकता के माध्यम से स्त्री के शरीर को देखने के बजाय उसकी आत्मा को समझता है तब वह सच्चे प्रेम और गहरे संबंध का अनुभव कर सकता है। ओशो के अनुसार स्त्री के शरीर के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन इसे केवल शारीरिक स्तर पर सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें इस आकर्षण को समझने की आवश्यकता है और इसे एक सच्चे स्तर पर रूपांतरित करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से हम यौन ऊर्जा और आकर्षण को सृजनात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं और स्त्री के शरीर के प्रति गहरे प्रेम और सम्मान की भावना विकसित कर सकते हैं। तो ओशो ने अपने डिस्कोर्स संभोग से समाधि पर गहन चर्चा की है। अगर आप ओशो का संभोग से समाधि की ओर डिस्कोर्स सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।